सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस आइजू के पावर बॉल के बारे में। बेसिकली ये बॉल है क्या, इसे यूज कौन कर सकता है, इसे यूज किसे करना चाहिए और इससे फायदे या नुकसान क्या क्या हैं, क्वालिटी कैसी है, कॉस्ट क्या है, सारी बातें होंगी इस वीडियो में। सो इंश्योर करें इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो अगर बात करें इस कंपनी की तो ये कंपनी क्लेम करती है कि अगर आप इस बॉल का यूज करके एक्सरसाइज करते हो तो आपकी फोर आर्म्स स्ट्रांग होंगी, आपकी शोल्डर की एक्सरसाइज होगी, आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स अच्छे हो जाएंगे, साथ ही में आपकी ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपकी फिंगर्स की भी एक्सरसाइज इससे होती है। इसलिए तो ये सारी चीज़ें क्लेम करती है कंपनी। मेरा व्यू क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको इसे यूज़ कैसे करना है। सो बात करें अगर इसे यूज़ करने की तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक एरो दिख रहा होगा, जो एरो का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपको इसे अपने थंब से आगे बढ़ाना है और एक पॉइंट आएगा जिससे आगे ये नहीं बढ़ेगा और उसके बाद से आपको इसे हाथ में पकड़ना है, अच्छे से ग्रिप करना है और फिर इसे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद इसे आपको रोटेट करना है। आप जिस स्पीड से इसे रोटेट करोगे उस स्पीड से ये घूमेगा। अगर आप रुक जाओगे तो ये भी रुक जाएगा, इसमें किसी तरह की बैटरी का यूज़ नहीं हुआ है। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ाएगा, वैसे वैसे आपको ये भारी लगने लगेगा। अभी ये काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा है मुझे, साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी फोर आर्म स्पीड पूरी इससे पंप हो रही है और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जैसे से हिला रहा हूँ। अभी मैं अपना हाथ रोकूंगा फिर भी आप देख रहे हैं इसकी फोर्स कैसे लगती है, ये मेरे हाथ को पूरा हिला दे रहा है, इतना ज़्यादा इसमें फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। तो देखा जाए तो फोर आर्म्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिलिकॉन का बैंड यूज हुआ है जिससे आप प्रॉपर से ग्रिप कर सकें, अच्छे से पकड़ सकें, हाथ से फिसले ना। सो हाथ से अगर फिसल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इन्होंने एक स्ट्रैप दे रखा है। सो आप इसे हाथ में से फंसा लोगे, गिरता भी है तो नीचे नहीं गिरेगा, आपके हाथ में फंस के रह जाएगा। सो ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मुझे लगता है अगर गिरेगा तो शायद टूट सकता है तो इसे थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा कि ये नीचे ज़मीन पर ना गिरे। साथ ही मैं बात करें अगर इसकी इफेक्टिवनेस की तो मुझे लगता है कि आपकी ग्रिपिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ग्रिपिंग जो है आपकी अगर अच्छी होगी तो आपकी लिफ्टिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। डेड लिफ्ट हो या बेंट ओवर रो, इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं और आपकी अगर ग्रिप अच्छी है तो आप परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं, आप हेवी लिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप डेड लिफ्ट करोगे देखना सबसे पहले जो फेलियर होता है आपकी ग्रिप फेल होती है, आपके हाथों से वेट छूटता है क्योंकि आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। सो ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी अच्छा एक टूल है, इसके थ्रू आप अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, कहीं भी आप लेके जा सकते हो। अब बात करते हैं ये कौन कौन यूज़ कर सकता है। सो बेसिकली ये म्यूजिशियंस के लिए काफ़ी अच्छा है, अगर आप ड्रमर हो, बेसिस्ट हो, गिटारिस्ट हो तो आपके फोर आर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उस केस में आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। वहीं अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हो लाइक आप हॉकी खेलते हो या आप क्रिकेट खेलते हो उन सारे केसेस में आप इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपके फोर आर्म्स को आपकी आर्म्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देगा, साथ में आपकी ग्रिप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है अगर आप हॉकी के प्लेयर हो या कोई भी स्टिक वाला गेम है उसके प्लेयर हो तो। अब बात करें अगर कॉस्ट की तो कॉस्ट इसकी करीब 999 रुपये, करीब 1000 रुपये में ये अमेजोन पे आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। 4 से 5 दिन के अंदर आपको डिलीवरी आ जाएगी और अपना एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये बातें हो गई आइजू पावर बॉल की, कैसा लगा नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।